من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين طلابي عزيز قرآن فهمي کے دروس میں قرآن فهمي ان میں ہم نے حروف کے صفات کے بارے میں بات کی حروف کے صفات کے بارے میں بات کی اب ہمیں حروف کے احکام کی طرف آنا ہے احکام سب کے جب ختم ہو جائیں گے تو تجوید کا معاملہ بھی لپیٹ لیا جائے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ عربی کی طرف چلیں گے لیکن احکام تھوڑے نہیں ہیں احکام کافی ہیں اس میں کچھ ٹائم لگے گا تو احکام یعنی حکم حرف کا اس کی کیا معنی احکام کسے کہتے ہیں احکام کی تعریف کیا ہے احکام کسے کہیں گے احکام اس عمل کا نام ہے جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کی حروف کی ترکیب یعنی لفظ مرکب ہوتا ہے کچھ حروف مل کے ایک لفظ بناتے ہیں ان حروف کی ترکیب سے ترکیب یعنی امتزاج یعنی ایک ساتھ مل کر جو نتیجہ نکلتا ہے حروف کی ترکیب سے جو حالات پیش آتے ہیں سے جو حالات پیش آتے ہیں اور ان سے ان حالات سے جو ما قبل اور ما بعد کے حروف پر سے جو ما قبل یعنی جو پہلے ہو ما قبل اور ما بعد اور ما بعد اثرات مرتب ہوتے ہیں اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں مرتب ہوتے ہیں وہی احکام کی تعریف یعنی احکام چیز کس چیز کو کہیں گے حروف کی ترکیب سے حروف کے آپس میں ملنے ملانے سے جو حالات پیش آتے ہیں کہیں زبر ہے کہیں پیش ہے کہیں سکون ہے کہیں کچھ ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں ترکیب سے جو حالات پیش آتے ہیں یعنی حروف کے جڑنے اور ملنے سے ترکیبیں جڑنے اور ملنے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے جو حالات پیش آتے ہیں اور ان سے یعنی ان حالات سے جو ما قبل اور ما بعد اثرات مرتب ہوتے ہیں
किसी भी हरफ से पहले कौन सा हरफ है या उसके बाद कौन सा हरफ है, उस पर क्या असरात पड़ते हैं, इन चीज़ों को अहकाम कहते हैं, इन चीज़ों को अहकाम कहते हैं। अहकाम का एक मुख्तसर सा खाका आपको पता होना चाहिए कि अहकाम में कौन कौन सी चीज़ आती है। एक तफ़ीम व तरकीक आता है, जैसा हमने हरूफ़ इस्तिला के बारे में बता दिया, एक तफ़ीम तफ़ीम व तरकीक, या तफ़ीम या तरकीक, तफ़ीम एक चीज़ उसकी ज़िद तरकीक, जब तरकीक होगी तफ़ीम नहीं होगी, जब तफ़ीम होगी तो तरकीक नहीं होगी, ये दूसरी एक दूसरे की ज़िद है। और कहीं लफ्ज़ में तफ़ीम के बजाय तगलीज़ होता है, तगलीज़ व तरकीक, ये तकरीबन एक ही मतलब है, लेकिन कई लफ्ज़ों में हम तफ़ीम कहते हैं, कई लफ्ज़ों में तगलीज़ कहते हैं, तगलीज़ जैसे हम कहते हैं गलीज़ मोटी, किसी शख्स ने किसी दूसरे को एक गलीज़ मोटी दे दी, एक गलीज़ मोटी यानी गाली दे दी, गलीज़ यानी मोटी गाली दे दी बहुत बड़ी सी, तो इसका मतलब है बड़ा करना, तगलीज़ या तफ़ीम, तफ़ीम तरकीक होगा, तगलीज़ तरकीक होगा, एक ही मसला है ये और ये एक ही है, यहाँ तगलीज़ है यहाँ तफ़ीम है। कुछ हरूफ के बारे में लफ्ज़ तफ़ीम इस्तेमाल होता है और कुछ कोई एक हरफ है उसमें उसके बजाय तगलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोसेस एक ही है, अमल एक ही है। और उसके बाद नून साकिन बहुत अहम मामला है, नून साकिन और तनवीन, यानी साकिन नून और तनवीन वाला नून, एक तनवीन दो ज़बर दो पेश और दो ज़ेर, उससे भी नून की आवाज़ निकलती है, उस नून की और नून साकिन के जो अहकाम है उसके बारे में जो बहस है वो इसमें आता है। इसके बाद इजहार अख्फा आता है, कभी ज़ाहिर करना आवाज़ को अच्छी तरह और कभी खफीफ रखना, हल्के से बता देना, इजहार अख्फा और इदगाम मुदगम करना, एक हरफ की आवाज़ दूसरे हरफ में, इदगाम मुदगम करना मिला लेना, एक दूसरे में ज़म करना। और उसके बाद अकलाब यानी एक हरफ से दूसरे हरफ में सदा तब्दील हो जाना, बा में या मीम में तब्दील होने, ये बा और मीम के बारे में अकलाब। फिर मद व कसर, मद व कसर, किस जगह मद है और किस जगह कसर है, कहाँ मुख्तसर पढ़ना है कहाँ लंबा पढ़ना है, मद लंबा पढ़ना कसर मुख्तसर करके पढ़ना, मद व कसर। फिर इल्तिकाए साकिनैन, जैसा मैंने कल भी इशारा किया था, इल्तिकाउस्साकिनैन यानी दो साकिन हरफ हैं, दोनों साकिन हैं, एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बाद आ रहे हैं, पहले एक रहा आ रहा है उसी के साथ दूसरा भी साकिन है, दो साकिन लफ्ज़ों का इल्तिका करना या मिलाना ये महाल है, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या करना पड़ता है, इल्तिकाए साकिनैन। फिर इशबा हा की, हाय ज़मीर जो है उसका इशबा कैसे किया जाता है। और फिर कुछ हरूफ जो गैर नविश्ता है, गैर नविश्ता हरूफ यानी लिखे गए नहीं है लेकिन आपको पढ़ने हैं, लिखे गए नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए या मुझे कोई हर्फ पढ़ना है, गैर नविश्ता हरूफ। इशबा ज़मीर के बारे में होता है, कहीं उल्टी वाव होती है या की आवाज़ होती है, इशबा ये अपने मौके पर आप पढ़ेंगे, मैं फ़िलहाल एक खाका सा देता हूँ आपको ताकि आपके जहन में रहे क्या कुछ पढ़ना है। और फिर ये गैर नविश्ता लिखे नहीं हैं लेकिन पढ़ने हैं,
दूसरे ये है कि गैर खानदनी, गैर खानदनी यानी लिखे हैं लेकिन पढ़ने नहीं हैं, गैर खानदनी हरूफ, यहाँ हरफ लिखा ही नहीं है लेकिन पढ़ना है, और यहाँ हरफ लिखा है लेकिन पढ़ना नहीं, यहाँ है नहीं लेकिन पढ़ना है, यहाँ लिखा है लेकिन पढ़ना नहीं है। और फिर वक्फ वसल, वक्फ वसल बहुत अहम चीज, वक्फ और वसल, वक्फ वसल का मामला, फिर अब्दाल का मामला, अब्दाल यानी एक हर्फ की आवाज़ बदल जाती है दूसरे में, अब्दाल, और उसके बाद आखिर पे हमें पढ़ना होगा रमूज, रमूज़े सजावंदी कहलाते, रमूज़े सजावंदी, अलामा मोहम्मद अब्दुल्ला सजावंदी के मुकरर किए रमूज, रमूज़े अवकाफ़, उनके बारे में पढ़ना हुआ। ये सब कुछ इस अहकाम के अंदर शामिल है, यानी कि अहकाम का जो सिलेबस है, हम ऐसे बात करेंगे, अहकाम का जो निसाब है, अहकाम के अंदर जो कुछ हमने पढ़ना है वो ये सब कुछ है, ये सब कुछ अहकाम का निसाब है, अहकाम का सिलेबस है, समझ गए कि नहीं है? तो चलिए, तो ये मसला ख़त्म हो गया। अब हम इब्तिदा में आते हैं तफ़ीम तरकीक पर। तफ़ीम तरकीब, तरकीब पर क्यों आएंगे इब्तिदा में? क्योंकि सिफात में तफ़ीम तरकीक आ चुका है, इसलिए हम तफ़ीम तरकीक से ही फिर अपना मसला शुरू करेंगे। तफ़ीम तरकीक आपको पता है, इस बारे में थोड़ा आपको मालूम है, इसलिए इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ बातों के रिपीट करने की ज़रूरत है ऐसा लगता है मुझे। इसमें आप ऐसा करें कि पहले एक अमूमी तौर पर आप याद रखें, अमूमी तौर पर यानी ऑन द होल, ऑन द होल एक बात याद रखें, तकरीबन हर जगह वो आती है, और वो ये है कि जहाँ कहीं फतहा और ज़म्मा है, जहाँ कहीं भी हरफ पर या फतहा है या ज़म्मा है, फतह ये एज अ कॉमन रूल, फतहा है या ज़म्मा है, फतहा हो ज़म्मा यानी ज़बर और पेश है, तो जहाँ ये होगा तो वहाँ याद रखिए, वहाँ बिल अमूम यानी ऑन द होल, अगर कोई और एक्सेप्शन वगैरह ना हो तो ऑन द होल इसका ये रूल है कि इसमें तफ़ीम होता है, तफ़ीम होता है। फतहा और लम्मा इनमें ख़ासियत है, इन हरकतों, दो हरकतों में ये किसी भी हर्फ की तफ़ीम पैदा करते हैं, और इसके बजाय अगर कसरा हुई, कसरा हुई तो कसरा में तरकीक होता है, ये कॉमन रूल है, कॉमन रूल, एक अमूमी कायदा, ऑन द होल यानी बिलमूम ज़बर और पेश तफ़ीम को पैदा करते हैं, जबकि कसरा यानी ज़ेर तरकीक को पैदा करते हैं। अब आपको मालूम है कि तफ़ीम क्या होता है और तरकी क्या होता है। तफ़ीम का मतलब है किसी भी सदा को, किसी भी हर्फ के सदा को पुरहजुम ऐसे पढ़ना कि आपका मुंह सदा से भर जाए, उसे तफ़ीम कहते हैं। और उसके बजाय तरकीक ये है कि किसी भी हर्फ की सदा को हल्के से पढ़ना ताकि नाजुक आवाज़ निकल आए और आपके मुंह में कम से कम सदा भर जाए, आपका मुंह तकरीबन खाली रहे, थोड़ी सी सदा भर जाए और आवाज़ जो निकलेगी वो तरकी के साथ यानी हल्की सी नाजुक सी पैदा हो जाए, जबकि इसमें आवाज़ जो होती है वो गाढ़ी होती है, मोटी होती है, भरपूर होती है।
पुरहजुम होती है, दुरुस्त होती है, इसमें दुरुस्त नहीं होती। ये फ़र्क है तफ़ख़ीम में और तरकीक में। यानी आपको मालूम होना चाहिए अब तक, कल से लेके आज तक, कि तफ़ख़ीम का मतलब है किसी भी हरफ की सदा को पुरहजुम अदा करना, और तरकीक का मतलब है उस किसी और हरफ की सदा को हल्के से अदा करना, नाजुक तरीके पर, पतली सी आवाज़ में, वो है तरकीक। अब हमें सबसे पहले जो चीज़, जो हर्फ हमें उठाना है इस बारे में, अहम हर्फ, और वो है रा। रा के बारे में, रा की तफ़ख़ीम और तरकीक। फ़िलहाल हम इसके तफ़ख़ीम की बात करेंगे। तो छः हालात हैं, छः हालात हैं इसमें जिनमें तफ़ख़ीम होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः हालात में, छः सूरतों में रा की तफ़ख़ीम होती है, और वो कौन सी? नंबर एक, जैसा यहाँ कहा हमने इस रूल में, या हमने रूल में कहा कि जब किसी हरफ पर ज़म्मा और फतह हो तो वो तफ़ख़ीम के साथ पढ़ा जाएगा। ये रूल यहाँ भी अप्लाई करता है। यानी रा मा, मा के साथ, माल फतहा और अज़म्मा, या आप कहेंगे राय मज़मूम या राय मफ्तूह, मफ्तूह या मज़मूम हो, ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल ना करेंगे तो इसके बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला राय मफ्तूह। मफ्तूह यानी जिस पर फतह लगी हो, ज़बर लगी हो, या मज़मूम, मीम ज़ाद, मज़मूम, मफ्तूह मज़मूम, या मफ्तूहा और मज़मूम। तो ये पहला रूल है जिसमें क्या होता है, तफ़ख़ीम होता है। तो ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि साकिन है राय साकिन से पहले जो हरफ हो उस पे ज़बर हो, ज़बर वाला हरफ, ज़बर वाला हरफ। राय साकिन है, रा साकिन है, उसमें सुकून है, लेकिन उससे पहले वाला जो हरफ है उस पर ज़बर है, मफ्तूहा इससे पहले, या ज़म्मा है, या ज़म्मा वाला हरफ, ज़म्मा वाला हरफ, दो में से एक। ये इसी रूल की एप्लीकेशन है, ये दोनों इस वाले रूल की एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ कहा, फतह हो या ज़म्मा हो, राय साकिन से पहले ज़बर वाला हरफ हो, फतह वाला हरफ हो, या ज़म्मा वाला हरफ हो, ज़बर हो या पेश हो रा से पहले वाले हरफ पर, तब भी तफ़ख़ीम हो जाएगा। और तीसरी सूरत, राय साकिन से पहले जो हरफ है, साकिन हरफ वो भी साकिन हो, और उससे पहले, और उससे पहले जो हरफ हो फतह या ज़म्मा वाक़ा हो उस पर, इसी तरह फतह या ज़म्मा वाक़ा हो, फतह या ज़म्मा वाक़ा हो, ये तीसरा। और फिर चौथा, राय साकिन से पहले हमज़तुल वस्ल हो, हमज़तुल वस्ल हो, राय साकिन से पहले जो हर्फ है वो हमज़तुल वस्ल वाला है, वो हमज़तुल वस्ल है। और उसके बाद पांचवा, राय साकिन से पहले
फिर राय साकिन से पहले नहीं, के बाद मगर एक ही कलमे में, यानी एक ही लफ्ज में हरफ़ इस्तेला वाक़ा हो, हरफ़ इस्तेला वाक़ा हो, हरफ़ इस्तेला हो, और आखिर पर राय साकिन से पहले, वाव या अल्फ़े मदी वाक़ा हो, ये फार्मूले बिल्कुल जहन में रखे। मिसाल से आप समझ जाएंगे, लेकिन जहन में रखने हैं कि 6 मकामात हैं जहाँ रा की तफ़खीम होती है। इसके बाद हम मिसालों पर भी आएंगे, लेकिन आप ये रूल जो है, ये रूल्स लिख के रखें जल्दी में। मैंने आपसे कहा था कि आपके मोबाइल में कैमरा हो तो फ़ोटो उतारें, तो आपका टाइम बचेगा और वक्त भी हमारा भी बचेगा। जल्दी करें, शबाश जल्दी। कौन सा नंबर? 6। राय साकिन से पहले या वावी ममदूदा या अल्फ ममदूदा, वाव बटा अल्फ ममदूदा, यानी वावी ममदूदा या अल्फ ममदूदा, दो में से एक, लेकिन मद्दी यानी ममदूदा, जिसमें मद हो, जिसमें यानी उससे पहले ज़बर होती है अलिफ से, वाव से पहले पेश होती है, वाव हमेशा पेश कबूल करती है, अलिफ हमेशा ज़बर कबूल करता है, तो मदी लफ्ज़ हर बन जाता है, तो ये राय साकिन से पहले हो। सिर्फ राय साकिन के बाद एक ही चीज़ है कि कलमे में बिल्कुल उसके बाद हरफ इस्तेला, बाकी सब पहले वाला मसला है। पाँचों का पाँचों मसला पहले वाला है, लेकिन नंबर 5 का जो मसला है वो है राय साकिन के बाद वाला मसला, जो हरफ इस्तेला वाला मसला, कोई भी हरफ इस्तेला 7 में से हो तो तफ़खीम हो जाएगा। लिख लिया सबने, तो हम मिसालों पर चलते हैं ताकि ये मसला मुकम्मल हो जाए। आप ध्यान रखिए इधर को, देखिए पहला है माल फतह या दमा। माल फतह या दमा क्या होता है कि राह मफतूहा हो या राह मज़मूमा, मज़मूम हो या मफतूह हो, ज़बर हो या पेश हो, जैसे मिसालें, जैसे ज़बर है ना, रहीमुन, अच्छी तरह से देखिए, रहीमुन, जब ये ज़बर आप पढ़ते हैं ना रा पे, वो आपको सुनने वालों को भी मुगालता होता है, शायद ये पेश पड़ रहा है, हालांकि वो पेश नहीं होता है, मुँह की शक्ल ऐसी बनती है कि वो माइल में पेश होती है आवाज़, और रब नहीं पढ़ेंगे बल्कि रब पढ़ेंगे, रब, क्योंकि मुंह बड़ा करना है, बड़ा करने की वजह से ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने का मतलब दाई बाई के बजाय ऊपर नीचे उठाना है, तो उसका मतलब है रब, सुनने वाला क्या समझेगा, इसने शायद पेश पढ़ी, हालांकि पेश नहीं होती, वो ज़बर होती है, और रहीमुन यही रब फिर लिखते हैं, रब रहीमुन, रब फराज़ून, रा करके एक होता है रर, वही आवाज़ में फरा, हाँ फराज़ून। इसी तरह मिसाल के तौर पर गफूरून,
गफूर भरपूर भरपूर और रोन रोन गफूर रोन ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर शराबुन 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 बहुत अच्छे शराबुन बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा इस तरह बहुत सारे हैं फिरारा देखिए फिरारा फर्रा फिरारा वो भाग गया भागने के काबिल से कहेंगे फर्रा इसमें भी तरखीम फर्रा फिरारा तीन जगह रा की तफखीम है एक फर्रा की रा में एक फिर्रा एक फिर्रा फिरारा दो फिरारा में और एक फर्रा में फर्रा फिरारा बिल्कुल 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 मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब दूसरे की मिसाल रा से पहले जबर वाला हरफ और या जमा वाला हरफ रा से पहले या मतलब रा साकिन से पहले देखिए जैसे ये लफ्ज है कैसे पढ़ा जाएगा बहुत अच्छा मारियमुन 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 बहुत खूब। इसी तरह कुरान 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 ठीक है अगर आप कुरान पढ़ेंगे वो भी ठीक है कुरान अलिफ मद है ना लेकिन बहुत बड़ी मद है कुरान 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 ठीक है कुरान कुरान। अच्छा इसी तरह उर्सिल उर्सिल ये सब लफ्ज में कुरान के आपको मिसालों में दे रहा हूँ उर्सिल उर्सिल उर्सिल। अच्छा इसी तरह है वाल वाल कमर वाल कमर कमर वाल कमर ठीक है बिल्कुल। और तीसरे की मिसाल तीसरे वाइल साकिन से पहले साकिन हरफ और उससे पहले फतहा या जमा यानी तीन पर नजर डालनी है रा साकिन है उससे पहले एक और हरफ साकिन है और उससे पहले जबर या पेश है। मिसाल के तौर पर कुरान में ये है वाल वाल फाजर दो दो साकिन एक साथ एक रा साकिन उससे पहले वाला भी साकिन उससे पहले जबर या पेश हो वाल फाजर वाल फाजर जीम है हाँ जीम जो है वह हरफ़ कलकला है उसमें कलकला भी देना है वाल फाजर ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र दाल पर भी सुकून और रा पे भी सुकून रा पे वक्फ की वजह से सुकून फिल क़द्र 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 मेरे ख्याल में समझ आ गया हैं समझ आ गया कि नहीं बहुत अच्छे। फिर चौथी मिसाल राय साकिन से पहले हमज़तुल वस्ल देखिए अक्सर आप दुआ मांगते हैं ये वाला जो है यह हमज़तुल वस्ल है रब्बिरहम 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 या इसी तरह से एनिर ताबथुम एनिर ताबथुम एनिर ताबथुम एनिर ताबथुम
है ना, भरपूर आवाज अच्छी तरह सुनने वाला अच्छी तरह समझे। रब्बिर्जिउन, रब्बिर ये वाला रब्बिर जिउन, रब्बिर जिउन, रब्बिर जिउन, रब्बिर जिउन। अच्छा उसके बाद पांचवा हर्फ इस्तेरा, पहले मेरे घर में एक ही बता दूंगा मैं इस्तेरा, बाद में पहले नहीं बाद में। फिरकतिन, 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 ठीक है। इसी तरह लबिल मिरसाद, लबिल, लबिल मिरसाद, रा से पहले क्या नाम है, ये क्या नाम, हर्फ इस्तेला वाला, हर्फ इस्तेला एक ही कलमे में छठा वाला, साकिन से पहले वाव मदी, जैसे नूर, नूर, राय साकिन लेकिन पहले वाव मदी नूर, या अल्फ मदी माल अबरार, माल अबरार, अबरार, अलिफ मदी और उसके बाद राय साकिन, यानी राय साकिन से पहले अल्फ मदी ये वाला, ठीक है, वायु मदी या अल्फ मदी। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته